नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। नरसिंहगढ़ थाना परिसर में आगामी शिवरात्रि महापर्व एवं मेले को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, बुधवार को 4 बजे संपन्न हुई, जिसमें कि कानून व्यवस्थाएं शांति व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। SDM अमन वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 6 मार्च से 21 मार्च तक मेले का आयोजन किया जाएगा और इस दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें चिकित्सा कानून व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था और अन्य व्यवस्था शामिल हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में शांति समिति के सदस्य अमन वैष्णव, SDM नरसिंहगढ़ रविन्द्र चावरिया, थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ योगेंद्र परिहार, विधायक सत्यनिधि योगेंद्र सिंह परिहार, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राठौर एवं पत्रकार मौजूद रहे। शांति समिति की बैठक हुई, महाशिवरात्रि जैसे पता है आप लोगों को आने वाला है 11 तारीख को, 11 मार्च, तो उस संबंध में बैठक रखी गई है कि क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और पिछले साल अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसको कैसे सुधारा जाए और डेट्स डिसाइड करी हम लोग ने मेले की और छोटे महादेव बड़ा महादेव पे क्या क्या समस्या आती है हमेशा से। सर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं इसमें? अभी इसमें निर्णय ये लिया गया है कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, नगर पालिका है, पुलिस है, राजस्व विभाग है और जो इसके अतिरिक्त जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, इसके अलावा जो आशा कार्यकर्ता हैं, हमारे आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से ड्यूटी लगेगी और किस तरह से पूरा हम लोग आयोजन समाप्त करेंगे। मेले की शुरुआत कब होगी और कब इसका समापन? मेले की शुरुआत सर्वसम्मति से डिसाइड किया गया है 6 तारीख को अष्टमी रहती है और हम लोग 21 तारीख को जब संडे पड़ेगा तो ये एंड होगा।